हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तस्खीर और इस वीडियो में हम देख रहे हैं सेफ फ़लस्तीन फ्री फ़लस्तीन की टिकटॉक वीडियोस कॉम्पिलेशन। लोगों ने सपोर्टिव जो सपोर्ट करते हैं वो उन्होंने टिकटॉक्स बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अलग अलग जगह के वीडियोस हैं। एल एस ताली वीडियो ना। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये जुल्म देखें आप, नमाज पढ़ते हुए आंसू गैस वगैरह छोड़ी जा रही है, नाक बंद कर नमाज पढ़ रहे थे। क्या बात है, ओ बैंडेज। बर्लिन जर्मनी में जुलूस निकला सपोर्ट में। वो बच्चा रिपीट कर रहा था अपनी बालकनी में से कोल्डेस्ट पिक्चर इन फुटबॉल। फुटबॉल में प्लेइंग टुगेदर एंड दे कॉल इन टेरर। They are smiling because they know what Allah will do. ये पिक्चर से यार रोंगटे खड़े कर देती है। अच्छा मीडिया मीडिया कवर करेगा कि इज़राइल के लोग मरे, ये मीडिया कवर करेगा। असीम सुलेमानी, दिस इज मरियम अफीफी। She was dragged and arrested by police. Police ने arrest किया इनको बहुत brutal तरीके से, मारा पीटी हुई। And उसके बाद भी अभी आप देखें expression, देखें आप। Yeah, salute, जज्बा। Hey, can I help you? Get out of the house. What? I'm taking this house from you. Oh, sorry, must be a mistake. You've got the wrong house. Did I ask? Get out. Why would I do that? Sir, if you don't get out right now, I'm going to have to use force. Okay, well, I'm surrounded by neighbors. They're not gonna let that happen. We've already taken their houses. Out. Now. Okay. Okay. So what I thought. इस तरह से हुआ है वहाँ पे, घर छीने गए हैं। Palestine need your help. And sisters across the world, Palestinian people need your help, and there is no one else to turn to but you. Right, yeah. Now, the Palestinians lack access to urgent medical treatment and aid because hospitals aren't safe anymore. Azraelis, along with the Turkish Red Crescent and Musiat Sydney, are raising funds to help deliver fully equipped ambulances to help the Palestinian Red Crescent. Please visit the link in my bio to see how you can help.
my that is too brave. Whoa, whoa, whoa. Can you please do my please? على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 If you come near me again, I'm gonna break your face! No, no, bro, you keep coming in at the wrong time. He punched me! Breaking news! A Palestinian man incites violence and threatens to kill an innocent Israeli man. Headshot! Headshot! I got a headshot! Unpe banduk hai, unpe patthar hai bas. What now? Huh? They got guns, I got rocks! There's no way you can make me look bad. Palestinians have received a large shipment of extremely dangerous rocks and pebbles, possibly from Iran. In the meantime, we have tried reaching out to the United Nations for a statement regarding this violence. Unfortunately, they seem to be quite BBC busy. BBC News. US. Target I'm paying. Please get over one set. Vida loca, high as a cat, never sober. Boo. Shit passing, hit him with a cobra. Fill up my bro, Casanova. तो वीडियोस बहुत ही इमोशनल थे, दर्द था, तकलीफ़ें थीं, लेकिन मुस्कुराहट थी चेहरों पर. उसको देखकर रोंगटे खड़े होते हैं कि इतने दर्द तकलीफ़ों के बाद भी वो लोग, वो बच्चे, वो लड़की और वो माँ लड़ रही थी और मुस्कुरा रहे थे. क्या जज्बा होगा, क्या जुनून होगा उनके पीछे. उनको पता है कि कोई नहीं है, मतलब अकेले थे, कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर. एंड स्टार्टिंग में हमने देखा कि क्या क्या जुल्म नहीं किए गए. नमाज़ पढ़ने से रोकने के लिए जो आंसू गैस की गोले हैं वो फेंके, जो बंदा नियत नहीं बांधा हुआ था उसने उसको बचाने की भी कोशिश की, वहाँ से लात मारकर फेंका उसको बॉम्ब को जो गैस वाला था, लेकिन उन्होंने दोबारा फेंके तो नाक बंद करके सांस अंदर ना जाए, वो तो नमाज़ में खलल ना पड़े, वो नाक बंद कर रुकू सजदे किए जा रहे थे. तो हेड्स ऑफ टू देम. एंड चाहे कोई भी कंट्री हो, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमने वीडियोस देखे, इसमें भी थे. एंड बहुत ही अमेजिंगली सपोर्ट मिला है बहुत ही अलग अलग जगहों से. जैसे कि हमने देखा वो बच्चा अपनी बालकनी में से बोल रहा था, रिपीट कर रहा था कि फ्री फलस्तीन, वो भी नारे लग रहे थे फलस्तीन के सपोर्ट में. तो उनको सपोर्ट मतलब वो भी नारे लगा रहा था साथ में, तो वो बहुत सही था. एक मरियम अफीफी का वीडियो तो वाकई में लोगों को इंस्पिरेशन है लोगों के लिए. ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून, मतलब इतने ब्रूटली उनको मारा पीटा गया फौजियों की तरफ से जो वहाँ पर तैनात थे, वो ऑफिसर्स लोग, तो उन्होंने मारा पीटा, उसके बावजूद भी वो बंदी मुस्कुरा रही है. ऐसी कई लोगों को हमने देखा, एक छोटा बच्चा, एक बड़ा लड़का, एक मीडियम जो उम्र की लड़की होती है वो, एक ये मरियम अफीफी, बहुत सारे लोग थे जो मुस्कुरा रहे थे, अरेस्ट होने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे. तो उनके लिए सल्यूट है, जज्बे, जुनून और ताकत, हिम्मत के लिए सल्यूट है वाकई में. एंड एक वीडियो था इसमें एक बुज़ुर्ग और एक लड़की के साथ, तो उन्होंने लिखा हुआ था उसमें कि नीड योर सपोर्ट फलस्तीन, नीड योर सपोर्ट, मतलब जहाँ भी वो वीडियो जा रहा है
उन लोगों से बोला जा रहा है वो कि वहाँ पर हॉस्पिटल सेफ़ नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ की कमी है, खाने पीने की कमी हो रही है। तो इस चीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट, हम सब का सपोर्ट। इसमें मीडिया की भी पोल खोली गई है, दो वीडियो में एक लड़का था, आई डोंट नो कहाँ का था, और एक शायद इंडोनेशियन लड़की थी वो, जिन्होंने गोली मारकर, मतलब फिलिस्तीनों को गोलियाँ मारी जा रही हैं। उसके बाद जो मीडिया घुसता है कवर करता है, तो वो क्या कवर करता है कि जुल्म हो रहा है इसराइल पर। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को जो एग्जिस्ट करती हैं ऐसी मीडिया। एंड इसमें एक और मैसेज दिखाया गया है, जो घर से मतलब ज़बरदस्ती उनके घरों में घुसकर उनको घर से निकाल कर बाहर कर दिया गया था, वहाँ से बहुत सारी फैमिलीज़ को, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। तो वो वीडियो भी इसमें दिखाया गया है। सारे वीडियोज़ कमाल के थे, अच्छे थे, एक बढ़िया मैसेज के साथ और सच्चाई के साथ लोगों ने सपोर्ट भी किया है। एंड कमेंट कर बताइए आपको कैसे लगे ये वीडियोज़, लाइक करके शेयर करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें। बस गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।